नमस्कार, मैं कोको वेदी आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी मिठाई की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बनकर तैयार हो जाती है। इसको बनाने में मात्र 5 मिनट का टाइम लगता है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगता है। तो रेसिपी को पूरा ध्यान से देखें बिना स्किप किए हुए, और अगर आज की हमारी यह रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर 2 कप भुने हुए चने ले लिए हैं और 2 इलायची के दाने छील कर ले लिए हैं। अब इनको हम एक मिक्सी के जार में डालकर इनका एक हमें फाइन पाउडर बनाकर तैयार करना है। ये हमने अपने चने और इलायची का पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसमें थोड़े से भी गुठली आदि ना हो या कोई चने के या फिर इलायची के कण ना हो, इसके लिए हम इसको छान लेते हैं। छान के जो भी एक्स्ट्रा था हमने हटा दिया। इधर गैस में एक पैन चढ़ा दिया है, उसमें हमने 1 चम्मच देसी घी डाला है। और उसके बाद आज हम इस रेसिपी में चीनी का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको हेल्दी तरीके से बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर देसी खांड का प्रयोग करेंगे। हमने 1/2 कप देसी खांड ली है, उसमें लगभग 2 से 3 चम्मच हमने पानी डाल दिया है और इसको अब हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे। जब ये मेल्ट होने के बाद हल्का सा पकना शुरू हो जाएगा तब उसके बाद हमने ये जो चने का पाउडर बना कर रखा था उसको डाल देंगे। इसको हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। अच्छा हाँ, आपको यहाँ पर एक बात मैं और बताती हूँ कि अगर आपके एरिया में इस तरह से बिना छिलके वाले चने नहीं मिलते हैं तो आप छिलके वाले चने ले लें और उनका छिलका उतार कर भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। हाँ, लेकिन चने भुने हुए ही होने चाहिए। और अगर आपके एरिया में इस तरह से चने का सत्तू मिलता है तो आप वो लेकर भी बना सकते हैं। इस तरह से आपकी इस मिठाई को बनाना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा, आपको पीसना भी नहीं पड़ेगा, पिसा पिसाया सत्तू मिल जाएगा। इसमें हमने 3-4 चम्मच दूध की मलाई ली है, बिल्कुल फ्रेश मलाई का यूज़ करना है, बासी मलाई का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। मलाई डालने से इस मिठाई में बहुत अच्छा टेक्सचर आता है, बिल्कुल मावा वाला स्वाद आ जाता है। तो आप अगर हो सके तो मलाई ज़रूर डालें, और अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप मलाई की जगह दूध भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास देसी खांड ना हो तो आप उसकी जगह घर पर रखी चीनी का प्रयोग भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप गुड़ से भी इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। हमारी इस मिठाई का डो अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसमें हम 1 चम्मच देसी घी और डालेंगे और उसको थोड़ी देर और भूनेंगे। हमें इसको बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे चने पहले से ही भुने हुए थे। अगर हम इस रेसिपी को बेसन से बनाते हैं तो हमें भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा घी भी लगता है। इसमें हमने ऊपर से 1 चम्मच घी इसलिए डाला है कि इसमें एक अच्छी सी शाइन आ जाएगी और हमारी इस मिठाई का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए हमने इसमें ऊपर से 1 चम्मच घी डाला है। अब ये हमारा डो बनकर तैयार हो चुका है। इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल हैं, आपकी इच्छा हो तो डालें, नहीं आप बिना ड्राई फ्रूट्स के भी बना सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हमने यहाँ पर पिस्ता और बादाम डाले हैं, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो या आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद हो आप उनको डाल सकते हैं, और अगर नहीं डालना चाहते हैं तो बिल्कुल स्किप कर दें। अब इस सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये देखिए डो बिल्कुल लड्डू बनने के लिए तैयार है। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको एक बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको हल्का सा ठंडा हो जाने देंगे। इसके बाद हम अपने इन सत्तू के लड्डू को बनाना शुरू करेंगे। कोई भी त्यौहार हो या फिर आपका वैसे ही मीठा खाने का मन करे तो आप फटाफट से 5 मिनट में इस मिठाई को बनाकर तैयार कर सकते हैं। सारी चीज़ें घर में ही ज़्यादातर उपलब्ध होती हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि हमें बाहर से लानी पड़े। और आप ये सोचें कि भाई ये चीज़ घर में तो है नहीं, हम कैसे बनाएं, तो इसकी भी टेंशन
ख़त्म हो चुकी है, तो आप इस तरह से इस मिठाई को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी आज की इस मिठाई की रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप हमारी आज की इस रेसिपी को कहां से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखिए, हमने अपने इस लड्डू को बनाकर तैयार कर लिया है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा पिस्ता और थोड़े से केसर के धागे से डेकोरेट कर देंगे, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। अब इसी तरह से हम अपने इन सारे लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लेंगे। आप लड्डू की जगह इसके पेड़े भी बना सकते हैं या फिर बर्फ़ी की तरह इसको जमा भी सकते हैं। ये हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आपको हमारी आज की यह रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। ये देखिए, हम एक लड्डू आपको तोड़ के दिखा देते हैं कितना सॉफ्ट लड्डू बनकर तैयार हुआ है। अगर मिठाई बनाना इतना आसान हो जाए तो क्यों नहीं कोई मिठाई बनाना पसंद करेगा। तो आप ज़रूर ट्राई करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।